एक मित्र ने लिखा है, क्षमा दान सबसे बड़ा दान है, परंतु कभी कभी क्षमा कमजोरी का पर्याय बन जाती है। ऐसे समय में विपक्षी को क्षमा न करके उसके विरोध में खड़े हो जाना चाहिए, जैसा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था। प्रश्न ये है कि यदि आपके कुछ विरोधी रहे हों तो क्या आपने उन्हें क्षमा कर दिया है? ये मेरे लिए एक शोध का विषय रहेगा कि मेरे कौन विरोधी हैं। जो अपने को विरोधी समझते हों ये उनकी समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरे लिए कोई भी विरोधी नहीं है तो फिर मेरे लिए कोई मित्र भी नहीं है। कोई शत्रु भी नहीं तो कोई मित्र भी नहीं। जो कुछ घट रहा है वो अस्तित्व की एक लीला है, उसमें स्रोत से ऊर्जाएं उठती हैं, अपना अपना काम करती हैं और स्रोत में विसर्जित हो जाती हैं। यहाँ करने वाला कोई नहीं। अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है, ये मानसिक तल पर है। आध्यात्मिक तल पर क्षमा की कोई भी महत्ता नहीं। आध्यात्मिक तल पर क्षमा जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि क्षमा तुम तब कर पाते हो जब तुम मानते हो कि किसी ने कुछ किया है, कोई करने वाला है, और आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि करने वाला कोई नहीं है। ये एक ही अस्तित्व की ऊर्जा है जो अपने अपने ढंग से प्रकट हो रही है, तो कोई क्षमा करने वाला नहीं है। कहते हैं एक बार गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत गालियां दी। वो खड़े सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने अपनी चादर से उसे पोंछ लिया और चुपचाप चले गए। जब वो चुपचाप चले गए तो उस व्यक्ति को बड़ी परेशानी हुई, बड़ी पीड़ा हुई, और उसको लगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, मैंने शायद गलत किया है। तो दूसरे दिन वो आया, गौतम बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, उनसे कहा मुझे क्षमा कर दें, कल मैंने जो कुछ किया। कहते हैं गौतम बुद्ध ने शून्य दृष्टि से उसकी ओर देखा, उसने कहा मुझे क्षमा कर दें। गौतम बुद्ध ने कहा कि मित्र, क्षमा करने वाला यहाँ कोई है ही नहीं, तुम किससे क्षमा मांगते हो? वहाँ प्रतिक्रिया करने वाला कोई नहीं था तो यहाँ क्षमा करने वाला भी कोई नहीं है। अगर वहाँ प्रतिक्रिया करने वाला कोई होता तो यहाँ क्षमा करने वाला भी होता। यहाँ तो शून्यता है। शून्य में कोई भी चीज़ फेंको तो क्या होती है? शून्य में खो जाती है। लौटती तब है जब दीवार होती है और कुछ दीवार से टकरा जाता है तो प्रतिक्रिया बस वापस लौट जाता है। संबुद्ध मित्र ऐसे ही हैं जैसे एक शून्यता, उनमें कुछ भी गिरता है शून्य में खो जाता है, वापस नहीं लौटता। तो बुद्ध ने कहा कि क्षमा कौन करे? तो उसने कहा कि मुझसे गलती हुई कि मैंने बहुत कुछ किया था। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जा चुका, तू ये मत सोच कि तूने कुछ किया था, तूने कुछ नहीं किया था, तू अब कहाँ है? क्या कल भी तू ही था? वो व्यक्ति विचार में पड़ गया, सोचने लगा। उसने कहा लगता तो है कि जैसा मैं आज हूं वैसा कल नहीं था। तो बुद्ध ने कहा कि वो व्यक्ति ही जब नहीं रहा जिसने जो किया था, तो क्षमा भी किसे किया जा सकता है? क्षमा करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए जिसे क्षमा किया जा सके। ये तो बहती हुई धारा है। एक बार रमण महर्षि से किसी ने पूछा, संसार में इतने बुरे लोग क्यों होते हैं, संसार में लोग बुरा क्यों करते हैं? तो रमण महर्षि ने एक ऐसा जवाब दिया जो एक अद्भुत संबुद्ध सद्गुरु ही दे सकता था, कोई सामान्य दार्शनिक चिंतक विचारक नहीं दे सकता था। रमण ने कहा, टू थिकन द प्लॉट, कहानी को और गहरा करने के लिए, रसपूर्ण बनाने के लिए,
फिर वो चुप हो गए, वो ज़्यादा कहते नहीं थे। लेकिन कहानी ही अलग अलग पात्रों से चलती है। अगर कहानी में सारे हीरो ही हो जाएंगे तो कहानी कहाँ जाएगी, बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो अस्तित्व में भी द्वैत है, ड्यूअलिटी है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तक शरीर और मन का संयंत्र है कि द्वैत समाप्त हो जाए। द्वैत रहेगा, भिन्नता रहेगी, सेपरेटनेस रहेगी, एक सेपरेट एंटिटी, एक अलग सत्ता हमेशा उपस्थित रहेगी। उस द्वैत में ही सब खेल चलेगा। उस द्वैत से अलग अलग ऊर्जाएं अभिव्यक्त होंगी, अलग अलग काम करेंगी, अलग अलग तरह से वो गति करेंगी। तो उनके बारे में तुम ये मत सोचना कि ऐसा क्यों होता है, क्यों का प्रश्न मत पूछना, क्योंकि इस क्यों का उत्तर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। तुम अपने जीवन की एक भी घटना उठा लेना, इसे अपना ध्यान प्रयोग बनाना, तुम हैरान रह जाओगे। कोई भी घटना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और बस उसके ऊपर क्यों लगाना और उस पर ध्यान देना कि क्यों ऐसा हुआ, और तुम खोजते चले जाओगे और तुम हैरान रह जाओगे कि इस क्यों का कोई सिला नहीं मिलता। इस क्यों की गहराई समाप्त नहीं होती, अलग अलग तहें निकलती आती हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलती आती हैं, लेकिन ये क्यों कभी समाप्त नहीं होता। यही अस्तित्व का रहस्य है। जब भी शरीर और मन की घटना घटती है तो कुछ लोग मित्र जैसे बन जाते हैं और कुछ शत्रु जैसे बन जाते हैं। अस्तित्व में आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसके सारे के सारे मित्र रहे हों और कोई भी शत्रु ना रहा हो। अगर तुम ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसकी खोज करना। तुम कृष्ण को कहते हो पूर्ण अवतार, और उनके जीते जी ही उनके मित्रों और शत्रुओं की संख्या करीब करीब बराबर ही थी, 19-20 चलती रहती थी। अब तुम्हें लगेगा इतना प्यारा व्यक्ति, इतना दैवीय व्यक्ति, कोई इसका विरोधी क्यों होगा, कोई इसका शत्रु क्यों होगा, इसमें क्या इस व्यक्ति की गलती है, क्या इस व्यक्ति ने कुछ किया है। लेकिन कृष्ण के जितने घनघोर शत्रु हुए, जितने घनघोर विरोधी हुए, उतने ही उनके प्रगाढ़ मित्र भी हुए, और आज उन्हें तुम उनके शत्रुओं की वजह से ही जानते हो, ना कि मित्रों की वजह से। तो जब भी कोई कहानी रची जाती है इतिहास में अस्तित्व के, और कोई संबुद्ध सद्गुरु आता है, तो विरोध की, शत्रुता की, प्रतिक्रिया की काली रेखाएं भी खींची जाती हैं, वो फ्रेम की तरह से बन जाती हैं, जिसमें वो दैवी तस्वीर अटक जाती है, वो हमेशा के लिए दिखाई देती है, ये एक लीला है। तो इसलिए उन लोगों के प्रति भी तुम बड़े अनुग्रहित हो सकते हो। तुम जरा कल्पना करो, अगर जीसस के जीवन में जुदास ना आया होता तो आज जीसस को कौन जानता। जरा कल्पना करो तुम कि गौतम बुद्ध के जीवन में देवदत्त ना आया होता तो आज उन्हें कौन जानता। कृष्ण के जीवन में इतने घनघोर विरोधी ना आए होते तो न युद्ध होता, न गीता घटती, न तुम उन्हें जानते। फिर तुम ये मत पूछना कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो है सो है, ऐसा ही है, दिस इज इट। ये द्वैत का एक खेल है। तो ये मत पूछो कि क्या कोई विरोधी रहे थे, जरूर रहे होंगे, और अगर मेरे विरोधी अब तक नहीं रहे होंगे तो होने चाहिए, नहीं तो फिर कहानी में रस कैसे आएगा। नहीं होंगे तो जल्दी ही हो जाएंगे। कहानी तो तभी बनती है, मित्र भी तभी ज्यादा सक्रिय होते हैं जब शत्रु सक्रिय होते हैं, नहीं तो मित्र भी आलस्य में पड़े रहते हैं। मित्रों को पता ही नहीं चलता हमें कुछ करना चाहिए, तो शत्रु भी कई बार कृपावश उनको सक्रिय कर देते हैं कि तुम भी कुछ करो। विध्वंस सृजन की नई यात्रा खोल देता है। विध्वंस बेमानी नहीं है हमेशा, विध्वंस की राह से सृजन के नए आयाम खुल जाते हैं। तो मैं भी इसका अपवाद नहीं हो सकता, कोई भी अपवाद नहीं हुआ। रहा सवाल क्षमा दान या क्षमा करने का, तो ये सारी बात ही व्यर्थ है, एब्सर्ड है। क्षमा करने के लिए कुछ भी है नहीं, ये एक नाटक है, उसको पूरा का पूरा स्वीकार कर लेना है।
जैसा है वैसा है, जो है सो है।